करण जौहर को उनकी फिल्मों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उनकी दोस्ती भी काफी चर्चा में रहती है। कुछ इसी तरह की दोस्ती कैटरीना कैफ के साथ भी है। ऐसे में उनकी शादी से ठीक पहले उन्होंने और आलिया भट्ट ने नशे की हालत में एक साथ मिलकर विकी कौशल के साथ कुछ ऐसा किया जो अब चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा खुद करण ने किया है, जिस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। करण ने इस बारे में बताया, आलिया और मैंने एक बार नशे में धुत होकर विकी को कॉल किया था। हम शराब पी रहे थे और तभी हम सोच रहे थे कि हमें किसे कॉल करना चाहिए। ये शादी से ठीक पहले था। हम दोनों कैटरीना को लंबे समय से जानते हैं। हमने विकी को बाद में जाना। उसकी शादी ने हमें बहुत भावुक और खुश कर दिया। एक्टर का ये बयान इस समय सुर्खियों में है। गौरतलब है कि कैटरीना और विकी बीते साल 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी वेडिंग फोटोज को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था। हालांकि फिलहाल वो शादी के बाद एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि विकी कौशल जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दिखने वाले हैं, जहां से उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा विकी के पास कई फिल्में भी हैं, जिनमें गोविंदा नाम मेरा, सैम बहादुर, द इमोर्टल अश्वत्थामा, लुका छुपी 2, तख्त का नाम शामिल है। दर्शकों को एक्टर की इन सभी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।